दोस्तों ये बात तब की है जब किंग हेनरी अष्टम और उनकी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े चिकित्सकों से सलाह ले, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तभी सालों साल दौड़ भाग करने के बाद 18 फरवरी 1516 को ग्रीनविच पैलेस में राजा हेनरी अष्टम और इरगॉन की रानी कैथरीन के घर 7 साल बाद एक बच्चे की किलकारियां गूंजी। एक लड़की थे जिसका नाम मैरी ट्यूडर रखा गया। किंग को बच्चा होने की तो खुशी थी, लेकिन इस बात का गम भी था कि लड़का नहीं हुआ। अब मेरी के जन्म के बाद राजा हेनरी अष्टम इस बात से दुखी रहने लगे कि उनका वंश बिना किसी लड़के के कैसे आगे बढ़ेगा, और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगे। एक तो करीब 7 साल बाद संतान हुई, ऊपर से लड़के, राजा अब दिन पर दिन अपने राज्य और सत्ता को लेकर परेशान रहने लगे। अब राजा और रानी के बीच का आलम यह हो गया था कि राजा और रानी की आपस में लड़ाइयां होने लगे, और कुछ समय बाद राजा ने अपने उत्तराधिकारी के लिए दूसरी लड़की से विवाह कर लिया था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उनके पूर्व प्रेमिका की बहन एनी बोलेन थी। विवाह के कुछ समय बाद बोलेन के साथ भी वही हुआ जो कि उनकी पहली पत्नी के साथ हुआ था। बोलेन भी माँ नहीं बन पा रहे थे। बहुत सारे चिकित्सकों ने उसकी जांच की पर कोई सटीक उत्तर नहीं दे पाया। राजा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। राजा पूरी तरह से परेशान हो गया था। अब तो परेशानी का आलम यह हो गया था कि राजा अब धीरे धीरे चिड़चिड़ा और क्रूर होने लगा था। एक दिन उसने अपनी सनक में आकर अपनी दूसरी बीबी बोलेन को जान से मरवा दिया। इसके अलावा भी राजा हेनरी की 4 और शादियां हुई थी। राजा की तीसरी पत्नी की मौत अपने बेटे को जन्म देने के बाद हो गए। ये शादियां उसने केवल और केवल अपनी संतान के लिए किए थे, इसलिए जब उसकी तीसरी पत्नी का देहांत हुआ तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन राजा की तीसरी पत्नी से जब एक लड़के का जन्म हुआ तो राजा ने अपनी संतानों को, जो कि लड़कियां थी, उन्हें अवैध करार दिया, जिसमें राजा की पहली संतान मेरी भी शामिल थे। मेरी का नाम उत्तराधिकारियों की सूची से हटा दिया गया था। हालांकि ऐसा केवल मेरी के साथ ही नहीं हुआ था। बोलेन की मौत के बाद उनकी बेटी एलिजाबेथ को भी राज सिंहासन के उत्तराधिकारियों की सूची से हटा दिया गया था। इस बात को लेकर मेरी और उसकी सौतेली बहन ने बगावत कर दी, तो 1544 में राजा हेनरी ने दोनों बेटियों को उनके सौतेले भाई एडवर्ड के पीछे उत्तराधिकारी की सूची में दोबारा से रख दिया। एडवर्ड सन 1537 में राजा की तीसरी पत्नी से पैदा हुआ था, और कुछ दिनों के बाद हेनरी का बेटा राजा बन गया, जिसके कुछ समय बाद करीब 1547 में हेनरी की मौत हो गई। एडवर्ड प्रोटेस्टेंट धर्म को मानता था। वो हमेशा प्रोटेस्टेंट धर्म को बढ़ाने की बात करता था, लेकिन उसकी बहन मैरी एक कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, इसलिए वो चाहती थी कि इस राज्य में कैथोलिक धर्म को बढ़ावा दिया जाए, और इसी चीज को लेकर दोनों आपस में कई बार लड़ पड़ते थे। लेकिन मेरी अपने उसूलों के बहुत पक्के थे, इसलिए वो कैथोलिक धर्म को लेकर लोगों को जागरूक करने लगे। कुछ ही समय बाद अचानक एडवर्ड की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गए थे। दोस्तों उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे ये अगले ही पल मर जाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ समय बाद उसने दम तोड़ दिया, और मरते मरते एडवर्ड ने अपने खास सलाहकारों में से एक सलाहकार की चचेरी बहन लेडी जेन ग्रे को सारे राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी। मेरी इस चीज से बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि उसके रहते हुए कोई बाहरी व्यक्ति राज्य की बागडोर संभाले ऐसा उसे ठीक नहीं लगा, तो उसने राजा की बेटी होने के नाते लेडी जेन ग्रे को राज्य की बागडोर नहीं संभालने दी। इन सब बातों से परेशान होकर जेन ने अपने ससुर के साथ मिलकर मेरे को मारने की सोचे, लेकिन ये चाल जेन को उल्टी पड़ गए, और मेरी ने जेन को राज्य से निकाल दिया और खुद उस राज सिंहासन पर बैठ गए। अब पूरे राज्य पर मेरे का अधिकार हो गया था। दोस्तों सन 1554 में अंग्रेजों के एक समूह ने मेरे को सिंहासन से हटाने का प्रयास किया, क्योंकि वहां लोगों को विदेशी वर्चस्व का डर सता रहा था, क्योंकि मेरी स्पेन के राजकुमार फिलिप से शादी करने वाले थे, और ऐसा करते ही वो पूरे इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म को फैला देते। हालांकि उनका ये डर जायज भी था। सन 1558 में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजी ताज में सबसे चमकीला गहना कहलाने वाले बंदरगाह शहर कैलाइस पर कब्जा कर लिया और विद्रोह कर दिया। बहरहाल जल्द ही इस विद्रोह को दबा दिया गया, और विद्रोह में शामिल लगभग 100 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि लेडी जेन ग्रे और उसके ससुर इस विद्रोह में शामिल नहीं थे, फिर भी रानी मेरी ने लोगों को डराने के लिए उनका सिर धड़ से अलग करवा दिया। मेरी के इस काम से पूरे राज्य में उसके नाम की दहशत ऐसी फैली जैसे कि आग फैलती है। मेरी ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपने सौतेले भाई बहनों को भी मरवा दिया था। मेरी चाहती थी कि उसकी संतान इस राज्य को आगे बढ़ाए, लेकिन अफसोस कि उसकी कोई संतान नहीं थी, न ही वो कभी माँ बन पाई। वो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थे। उसने बच्चे करने के लिए हर वो काम किया जो एक औरत कर सकते है। उसने गुप्त तरीके से अपने आसपास के इलाकों से उन पुरुषों को चुना जो तगड़ी और विशाल कदकाठे के थे, लेकिन फिर भी वो माँ बनने में नाकाम रहे, जिसके बाद उसने उन सभी पुरुषों को जान से मरवा दिया। माँ बनने में नाकाम होने का असर उसके दिमाग पे पड़ा। बहुत ज्यादा सोचने और भावुक आघात की वजह से उसे ठेस पहुंची। एक बार जब वो 37 साल के थे तब रानी को ऐसा महसूस हुआ कि वो गर्भवती है। जब उसने अपने डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्हें भी यही लगा कि रानी गर्भवती है। असल में रानी मेरी का पेट इतना बढ़ गया था कि उन्हें ये महसूस हो रहा था कि उसके पेट में बच्चा है। उसके साथ साथ तमाम देखने वालों को भी यही लग रहा था कि रानी मेरी के पेट में बच्चा है।
जब डॉक्टर्स ने इस चीज को देखा तो पूरे राज्य में इस चीज की घोषणा करवा दी गई कि रानी मेरी माँ बनने वाली है। दिन बीत गए और रानी को कुछ भी महसूस होना बंद हो गया, तो उसने डॉक्टर्स से सलाह मशवरा किया। तो डॉक्टर्स ने बताया कि महारानी आपको एक ऐसे बीमारी है जिसमें हर समय ये लगता है कि पेट में कुछ है। इस बीमारी का नाम स्यूडोसाइसिस था। इस बात के बाद भी रानी को कई बार ये लगा कि वो प्रेग्नेंट है, पर वैसा कुछ नहीं था। दोस्तों, ये एक अनुवांशिक बीमारी थी जो कि मेरी के पिता किंग हेनरी को भी थे। उन्हें इस बीमारी के बारे में तब पता चला जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल जी रहे थे। पर लड़कों को प्रेगनेंसी नहीं महसूस होती है, बस वो कभी बाप नहीं बन सकते थे। यही कारण था कि हेनरी बाप नहीं बन पा रहे थे, पर इस चीज को उन्होंने कभी नहीं समझा था। उन्होंने हमेशा रानियों को ही दोष दिया, यहाँ तक कि अपनी बीवी को मरवा भी दिया था। दोस्तों, जब मेरी 2 साल के थे तभी हेनरी ने उसकी शादी फ्रांस के राजा के साथ तय कर दी थी। ऐसा पुराने समय में होता था। शाही परिवार में प्यार से ज्यादा राजनयिक और राजनैतिक संबंधों को महत्व दिया जाता था। लेकिन मेरी जब बड़ी हुई तो उसे इन सब चीजों के बारे में पता चला, तो उसने ये शादी भी तोड़ दी थी और इस प्रथा को भी खत्म कर दिया था। उसके बाद हेनरी ने मेरी का संबंध उसके चचेरे भाई एम्परर चार्ल्स फिफ्थ से कर दिया। लेकिन ये रिश्ता भी मेरी को पसंद नहीं था। उसने अपने पिता के कहने पर हाँ तो कर दिए थे, पर मेरी का मन नहीं था कि वो इस शादी को करे। कुछ दिनों तक तो वो राजकाज में व्यस्त हो गए और शादी को आगे बढ़ाते रहे। तभी रानी बनने के बाद मेरी किसी काम से स्पेन गए हुए थे। तभी उसे स्पेन के प्रिंस फिलिप से प्यार हो गया था। कई दिनों तक मेरी वहीं रहे और अपनी जिंदगी को फिलिप के साथ जीने लगे। लेकिन वो राज्य की रानी थे, उसे और भी चीजें देखने थे, जिसकी वजह से वो कुछ दिन बाद वापस आ गए। इसके कुछ दिनों बाद जब फिलिप का इंग्लैंड आना हुआ तो दोनों ने 1554 में विंचेस्टर किले में एक दूसरे से शादी कर ले। प्रिंस फिलिप मेरी से 10 साल छोटे थे, साथ ही वो एक कैथलिक भी थे। विंचेस्टर किले में फिलिप और मेरी ने कई महीने साथ गुजारे। लेकिन 1556 में स्पेन के लोगों द्वारा कैथलिक के लिए आंदोलन चलाया जाने लगा। इस बात की खबर लगते ही फिलिप को वापस स्पेन के राज्य में लौटना पड़ा। इसी बीच मेरी के संबंध कई और लोगों से हो गए थे। कहा जाता है कि उसके संबंध उसके चचेरे भाई से भी थे। बाद में उसके संबंध उसके ही राज्य के एक वजीर से हो गए थे, जिसे मेरी ने बाद में मरवा भी दिया था। दोस्तों, इतिहास में मेरी को ब्लड मैरी यानी कि खूनी मेरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसने 300 ईसाइयों को बीच चौराहे पर जिंदा जलवा दिया था, क्योंकि वो इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की मांग कर रहे थे और मेरी पूरे इंग्लैंड को कैथलिक बनाना चाहते थे। उसके इस काम ने उसके नाम का डर ऐसा फैला दिया था कि मेरी के सामने किसी की भी जुबान नहीं खोलते थे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी इंग्लैंड में कैथलिक धर्म को फैलाने का मेरी का सपना चकनाचूर हो गया और 42 साल की उम्र में सन 1558 में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में इन्फ्लुएंजा रोग के कारण रानी मेरी की मौत हो गई और इस तरह ब्लडी मेरी के शासनकाल का अंत हुआ। दोस्तों, अगर आप क्वीन मेरी के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप क्वीन मेरी पे आधारित बुक्स हिस्ट्री ऑफ टेरर्स ब्लडी मेरी और मैरी ट्यूडर जैसी बेस्ट सेलिंग बुक्स को पढ़ सकते हैं। वैसे इस रानी की कहानी को जानने के बाद आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।